ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामेतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही की लाइव कक्षा संख्या 262 को पढ़ेंगे। 261 अभी तक मैंने सभी कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ये हमारा चतुर्थ प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है। सभी कक्षाओं को कोई भी पाठक, कोई भी महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रमानुसार व्याकरण शास्त्र को पढ़ने वाला इच्छुक जन निशुल्क देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की, वहां पर अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही 1 2 3 4 इस प्रकार के नाम के कॉलम आपको दिखाई देंगे। तो आप क्रमशः पहले कॉलम को पढ़िएगा, दूसरे कॉलम को पढ़िएगा, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। इस प्रकार ये बहुत लंबी सीरीज है, हजारों कक्षाएं इस कोर्स में बनेंगी। संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कराना है। चलिएगा मित्रों, सबसे पहले मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, आपको आंग मर्यादा वचने, ये मैंने आपको पूरा सूत्र पढ़ाया था। कभी कभी पढ़ाते समय क्या होता है, जब पढ़ाते भी हैं लिखते भी हैं तो कभी कभी ध्यान थोड़ा सा पढ़ाने की तरफ जाकर के कभी लेखन की तरफ नहीं जा पाता है, तो लेखन में कभी अशुद्धियां हो जाती हैं। ये सबके साथ होता है, कोई ये बहुत बड़ा दोष नहीं है, ठीक है। ये जो भी पढ़ाने वाले हैं वो सबके साथ में घटित होता है, पढ़ने वाले होते हैं उनके भी साथ घटित होता है। गत कक्षा में मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पर कुछ बातें बता रहा था, इसको समझा रहा था, और उसके बाद फिर मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया था बोर्ड पर। आपको बोर्ड पर मैंने एक टेबल बनाया था, ये टेबल मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है, ध्यान देंगे आप। ये टेबल बनाया था और इस टेबल में मैं आपको बता ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पर दो शब्द अशुद्ध लिख गए थे। अशुद्ध उनको सबसे पहले शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये था अभिविधि, यहां विसर्ग लगाना है आपको, ठीक है। विसर्ग छूट गया था, कल मैं बोल रहा था अभिविधि अभिविधि अभिविधि, परंतु वो यहां लिखने में छूट गया है, तो यहां विसर्ग भी होगा अभिविधि, ठीक है। दूसरा ऐसा ही एक गलती यहां हुई, यहां लिखा अभिविधि की जगह आ लिख गया है दीर्घ,
तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक डंडा हटा लेंगे, ये बस ऐसा होगा अभी विधि ही। तो या तो हिंदी में लिखा था तो अभी विधि चलेगा, मर्यादा और अभिविधि। यहां पर भी आप विसर्ग लगाएं तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहां तो हिंदी में हम समझा रहे थे। परंतु ये जो तो परिभाषाएं जो दो पंक्तियां बताई थी तो ये क्या है, ये संस्कृत की। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि पिछली कक्षा में आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि हमारे पाठक हैं और पाठकों का इतना वो नहीं होता है कि वो सही गलत में एकदम जल्दी से फर्क जान लें, परंतु पढ़ाने वाले का कर्तव्य बनता है कि कहीं पर यदि पढ़ाते समय गलती हो जाए और आगे ध्यान आए तो उसको जरूर सूचित कर दे, शर्माए नहीं उसमें, उसमें अपने ईगो की चिंता ना करें, उसमें अपने पाठकों की चिंता करें, ठीक है, जिससे हमारे पाठक आगे सही परंपरा का निर्वहन करते रहे। तो इसलिए ये दो शब्द आपको मैंने बता दिए हैं, इनमें जो पिछली कक्षा में आपने ऐसा लिखा है तो यहाँ अभी विधि ही, और ये आ हो गया था तो वो ह्रस्व आ हमें लिखना था, उच्चारण तो मैं सही कर रहा था, अभी विधि, ठीक है, पर बोल रहा समझा रहा पढ़ा रहा हूँ आपको और लिखने में पेन चल गया एक्स्ट्रा कभी कम चल जाता है कभी ज्यादा चल जाता, ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं मित्रों आगे, अब आगे चलते हैं, ये सूत्र आपका हो गया था, अब आगे वाला सूत्र है सभी, ये आगे कर्म प्रवचनी संज्ञा का और निपात संज्ञा का ही प्रकरण चल रहा है, ठीक है, आइएगा आगे का सूत्र है आज हमारा 89वां, 88वां सूत्र हमने कल पढ़ लिया था, ये आज 89वां सूत्र है, चलिए लक्षण भूताख्यान भाग वीप्सासो प्रतिपर्यन वहा चलिएगा मेरे साथ एक दो बार बोल दीजिएगा, थोड़ा बड़ा सूत्र है आपको बोलने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासो प्रतिपर्यन वह, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासो प्रतिपर्यन वह, चलिएगा अच्छे देखते हैं, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांत प्रतिपर्यनवः प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनांत, ठीक है, इसके अंदर दो पद है, समास है इसमें, कंचित प्रकारं प्राप्तः इत्थं भूतः, ठीक है, कंचित प्रकारं प्राप्तः इत्थं भूतः, कंचित माने किसी भी रूप को, किसी भी प्रकार से, किसी भी एक अलग तरीके से प्राप्त हुआ है जो, ठीक है, माने तो प्राप्त हुआ है, प्राप्त करने वाला, ठीक है, मानिएगा मैं ऐसे कपड़े पहने हुआ हूं और मैं पीले कपड़े धारण कर लूं तो मैं कैसा हो जाऊंगा, पीले कपड़े रूपी प्रकार को प्राप्त हुआ मैं हो जाऊंगा, ठीक है, तो वही है कंचित प्रकारम प्राप्ताः इत्थं भूतः, इत्थं भूतः का अर्थ है किसी भी भिन्न प्रकार को प्राप्त हुआ कोई भी वस्तु पदार्थ प्राणी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इत्थं भूतस्य आख्यानम इत्थं भूताख्यानम, ठीक है, और इस किसी भी प्रकार को प्राप्त हुआ है जो, उसका आख्यान माने उसको बताना, उसको कहना, आख्यान का अर्थ होता है आख्यानम का कथनम, वचनम, कहना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इत्थं भूताख्यानम, यहां पर ये गलत हो रहा है, ख्यानम हो जाए, देखिए यहां पर एक्स्ट्रा लग गया है तो लेखन में कभी समस्या आ जाती है तो शुद्ध कर लेना चाहिए, इत्थं भूताख्यानम, ये समास हो गया आपका, इसमें कौन कौन सा समास हो गया ध्यान दीजिएगा,
ये तो इसमें हुआ है द्वितीया तत्पुरुष समास एक तरह से, परंतु यहाँ समास आपको करना नहीं है, ये एक अलग प्रकार का समास होता है। ठीक है, इस प्रकार को ये तत्पुरुष समास आप कह सकते हैं, मोटा मोटा ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, और इत्थम भूतस्य आख्यानम, इत्थम भूताख्यानम, ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष समास, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, लक्षणम च इत्थम भूताख्यानम च भागश्च वीप्सा च लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा तासु लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, लक्षणेत्थम इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा लक्षण, ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व, ये लिखा हुआ है इतरेतर योग द्वंद्व। तासु इसलिए लगाया है क्योंकि वीप्सा शब्द अंत में स्त्रीलिंग है, तो अब स्त्रीलिंग लगेगा, यदि पुल्लिंग होता तो पुल्लिंग लगता, नपुंसक लिंग होता नपुंसक लिंग लगता। ठीक है, प्रतिपारीय नवाह इत्यत्रापि इतरेतर योग द्वंद्वः, प्रतिपर्य नवाह इसमें भी क्या है, इतरेतर योग द्वंद्व करना है आपको, कैसे करना है। ठीक है, प्रतिष्ठा परिष्ठा अनुष्ठा प्रतिपरिया नवाह बन गया, तीन उपसर्ग हैं इसमें, माने उपसर्ग नहीं है, तीन है ये, प्रादि है, प्रतिपरि अनु तीन है। ठीक है, आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आती है कर्म प्रवचनीया निपाता, इन दो शब्दों की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अर्थ प्रतिपारी अनु इत्येते शब्दा लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा इत्येतेष्वर्थेषु विषयभूतेषु कर्म प्रवचनीय संज्ञकाः निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। सरल है, कठिन नहीं है। कहते हैं प्रतिपारी अनु इत्येते शब्दा है, ये तीन शब्द, ठीक है, क्या लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा इन अर्थों में, माने इन अर्थों के विषय भूत बने हुए, माने इन अर्थों में इनका प्रयोग बन रहा हो तो, प्रयोग हो रहा होने वाला हो तो इनकी क्या हो जाती है, प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाती है। लक्षण आपको बताई दिया था, लक्षण माने जिसका, जैसे हम किसी को बताने के लिए किसी को लक्षित कर रहे हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में भी आया था। ठीक है, तो क्या है, पिछली कक्षाओं से, पिछली कक्षा में मैं लक्ष्यते अनेनेति लक्षणम्, जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है। ठीक है, लक्ष्य को जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है, अभी उदाहरण समझा लें, वो लक्षण होता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें इत्थम भूताख्यान, इत्थम भूताख्यान माने इस प्रकार के रूप को प्राप्त हुआ उसका कथन करना इस अर्थ में, और भाग, भाग जानते ही हैं आप माने हिस्सा। ठीक है, हिस्सा, और बीप्सा, बीप्सा का अर्थ होता है व्याप्तुम इच्छा, बीप्सा माने किसी भी पदार्थ को संपूर्णता से कहने की इच्छा क्या कहलाती है, वीप्सा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं गांव गांव, तो गांव गांव कहने से हमारा तात्पर्य होता है संपूर्ण ग्राम, नगर नगर। ठीक है, देश देश, तो ये शब्द क्या है, वीप्सा। जब हम करते हैं तो दो बार हमको उच्चारण करना होता है, दो बार उच्चारण करने से किसी शब्द के हम उसके सभी अर्थों को कहना चाहते हैं, वही क्या होती है, वीप्सा, व्याप्तुम इच्छा वीप्सा। ठीक है, संपूर्ण रूप से
जिस शब्द के अर्थ को बता रहे हैं वो सारे अर्थों को बताने की जो इच्छा होती है, कहने की जो इच्छा होती है, वो विप्सा होती है। और विप्सा में नियम बना दिया है महर्षि पाणिनि ने कि शब्द को दो बार प्रयोग करना होता है। वो उदाहरण में देखेंगे कि आपके चार अर्थ हो गए, लक्षण, इत्था, इत्थम भूताक्षण, भाग, विप्सा। चार अर्थों को मैंने अभी मोटा मोटा समझाया आपको, यहाँ और समझाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है? घबराने की आवश्यकता नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलिएगा उदाहरण देखिएगा। लक उदाहरण में लक्षण, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्ष के प्रति विद्योतते विद्युत। यहां कोई ये बता रहा है कि बिजली वहां चमकी। बिजली क्या है? लक्ष्य। और बिजली कहां चमकी, उसको कहां से लक्षित किया जा रहा है कि वृक्ष के ऊपर चमकी। वो वृक्ष खड़ा है, उसके ऊपर चमकी है, तो वृक्ष क्या हो गया? उस बिजली लक्ष्य को बताने वाला हो गया, लक्षित करने वाला हो गया वृक्ष, तो वृक्ष क्या हो गया? लक्षण हो गया। तो लक्षण में लक्षण, ये वृक्ष लक्षण है, इस बात को कौन बता रहा है? ये बताएगा इसमें प्रयोग हुआ प्रति, ये प्रति का अर्थ है। प्रति क्या है? या लक्षण अर्थ में है, अर्थात वो वृक्ष को लक्षण बना रहा है, वृक्ष में लक्षण प्रवेश करा रहा है। तो क्या है? वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, माने वृक्ष के ऊपर बिजली चमकी, ठीक है, चमकती है, चमकती नहीं चमकी है। यहां पर देखिए हिंदी में अर्थ, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्ष पर बिजली चमकती है, वृक्ष पर अर्थात वृक्ष के ऊपर, ठीक है, ध्यान देंगे। वृक्ष यहां पर लक्षण है और बिजली क्या है? यहां पर लक्ष्य है, ठीक है। और वृक्ष को लक्षण कौन बना रहा है? प्रति बना रहा है, प्रति बना रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से है, तो क्या हुआ यहां पर सामान्य, इसके क्या हो गई? कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से क्या है? प्रति के योग में वृक्ष में द्वितीया हो गई। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से जो पहले की थी उसी से द्वितीया हो गई, सामान्य है, ठीक है। वृक्षम परि विद्योतते, माने वृक्षम परि, यहां परि का आ गया, वही अर्थ है, वृक्ष के ऊपर बिजली चमकती है, तो यहां पर भी द्वितीया हो गई, ठीक है। वृक्षमनु विद्योतते विद्युत विद्योतते, इसमें जोड़ते जाएंगे, पूरा उदाहरण नहीं दिखाएंगे, ऐसा करेंगे, वृक्षम परि विद्योतते विद्युत और वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, वृक्ष के ऊपर बिजली चमके, यहाँ अनु है तो यहाँ द्वितीया हो गई। कर्म त्रोचि संज्ञा का यही लाभ हुआ, ठीक है। चलिए आगे आ जाइएगा, इत्थम भूताख्याने, इत्थम भूताख्यान देखिए, साधुर देवदत्तो मातरम प्रति मातरम परि मातरम मनु, उसमें जोड़ते जाएंगे। यहां देखना, साधु देवदत्ताः मातरम प्रति, जो देवदत्त है वो माता के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला है, करता है, ऐसा मान लिया। साधु देवदत्त, देवदत्त अच्छा व्यवहार करने वाला माता के, तो यहां पर अच्छा व्यवहार को प्राप्त हुआ कौन है? देवदत्त। क्या है? देवदत्त है, देखिएगा, उसने, सभी लोग तो अच्छा व्यवहार नहीं करते, देवदत्त क्या है यहां? कंचित प्रकारम प्राप्ताः, कंचित प्रकारम प्राप्ताः इत्थम भूतः, तो यहां पर कंचित प्रकार क्या है? अच्छा श्रेष्ठ व्यवहार को प्राप्त हुआ कौन है? देवदत्त। देवदत्त का यहां पर आख्यान, माने देवदत्त को बताया जा रहा है कि देवदत्त कैसा है, किसके प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला है, क्या किसके प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला है? तो कहा साधुर देवदत्त मातरम प्रति, माता के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला देवदत्त है। अब यहां पर क्या है? देवदत्त क्या है? लक्ष्य। क्या है यहाँ? इत्थम भूताख्यान, इसमें लक्ष्य वाली कोई बात नहीं है। तो इत्थम भूत, मैं इत्थम भूत कौन हो गया? देवदत्त।
और देवदत्त का आख्यान देवदत्त को बताया जा रहा है, ठीक है। तो देवदत्त का आख्यान इत्थं भूतः, ठीक है, यहां पर देखिएगा ये देवदत्त माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है। तो अब किसके, देवदत्त माने माता के प्रति अच्छे व्यवहार को प्राप्त हुआ है, तो किसके प्रति अच्छे व्यवहार को प्राप्त हुआ है, माता के प्रति। तो क्या है, उसके योग में अब क्या हो जाएगी यहां पर प्रति, ये प्रति अर्थ दे रहा है, क्या दे रहा है ये प्रति शब्द ये अर्थ दे रहा है कि इत्थं भूताख्यान में ये वर्तमान है, ठीक है, ये विषयभूत बन रहा है देवदत्त, और वो अच्छा व्यवहार किसके प्रति है, माता के प्रति, तो इसलिए माता के प्रति। तो यहां पर इत्थं भूताख्यान में ये प्रति वर्तमान है, ठीक है, ये प्रति वर्तमान है, इत्थं भूता का व्याख्यान कह रहा है, और वो किसके प्रति किया जा रहा है, माता के प्रति, तो माता के साथ में इसका योग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से इसमें द्वितीया हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ऐसा समझने में लग रहा होगा कठिन है, पर कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ समझेंगे तो सामान्य है। इसको मैं पूरा और समझाता हूं, देखिएगा क्या कहा, कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थं भूतः, किसी भी प्रकार को माने अलग से भिन्न प्रकार को प्राप्त हुआ वो होता है इत्थं भूतः, और इत्थं भूतस्य आख्यानम इत्थं भूताख्यानम माने उसका कथन करना, ठीक है, कथन करने के अर्थ में प्रतिवर्तमान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आख्यान क्या है, ये जो प्रति है, प्रति का प्रति देवदत्त का आख्यान कर रहा है, ठीक है। अब देवदत्त का आख्यान कर रहा है, देवदत्त कैसा है, अच्छे गुणों को धारण करने वाला है, किसके प्रति, माता के प्रति, तो इसका माता के प्रति का माता के साथ योग है, इसलिए इसमें कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है, बस इतना समझना है, ठीक है। एज ए मातरम प्रति परी साधु देवदत्त मातरम परी, और साधु देवदत्तो मातरम अन्य, ये दोनों सबका अर्थ एक ही है। आगे देखिएगा, भागे यदत्र माम प्रतिस्यात, भाग अर्थ में माने हिस्सा, इसका अर्थ वाक्य का अर्थ होगा पूरे का, यहां जो मेरा भाग हो, ठीक है, यदत्र माम प्रतिस्यात, यहां पर जो मेरा भाग हो, तो प्रति भाग में वर्तमान है और प्रति का योग है माम अस्मद के साथ मैं के साथ में, तो माम में द्वितीया हो गई, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया हो गई। यदत्र माम अनुस्यात, ठीक है, और यदत्र माम परिस्यात, तीनों हो गए, तीनों का अर्थ एक ही है, यहाँ पर मेरा हिस्सा जो हो वो मुझे मिलना चाहिए, ऐसा आगे दूसरे वाक्य के साथ में संबंध लग के बनेगा। चलिएगा, ये हो गया आपका, अब आ जाइएगा दीपसा में, दीपसा में है वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति, मैंने बताया दीपसा माने वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति का अर्थ सभी वृक्षों को, माने कोई बगीचा है उसके प्रत्येक वृक्ष को माली सींचता है, एक भी वृक्ष छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रति दीप्सा किसके द्वारा हो रही है, प्रति के द्वारा, प्रति दीप्सा को बता रहा है, दीप्सा गम्यमान हो रही है, इसलिए किसके प्रति दीप्सा गम्यमान हो रही है, वृक्ष के प्रति, माने वृक्ष वृक्ष को। तो यहाँ पर क्या है, दीप्सा में ये द्वितीय कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय हो गई इसमें वृक्षम में, और उसे वृक्षम शब्द का दो बार उच्चारण हो जाता है, उसके लिए सूत्र है हमारे पास, उसके लिए क्या हमारे पास एक सूत्र है, ये एक सूत्र है, ये देखिएगा, नित्य वीप्सयो हो, ये आठवें अध्याय के चौथे पाद में दिया गया है, आठवें अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है, ठीक है। ये कहता है नित्य अर्थ और वीप्सा अर्थ में वर्तमान जो पद होता है उसको दो बार उच्चारण हो जाता है, ये सूत्र इतना कहता है, ठीक है।
ये देखिएगा, ये वाला सूत्र है नित्याभिप्सयोः, नित्ये चार्थे विप्सायां च यः शब्दो वर्तते तस्य सर्वस्य द्विभवता। उसका जो विप्सा अर्थ में और नित्य अर्थ में, नित्य अर्थ में यहाँ पर नहीं है अभी, विप्सा अर्थ में ले रहे हैं, विप्सा अर्थ में जो भी शब्द वर्तमान होता है उसका द्विभवता माने दो बार उच्चारण हो जाता है। जैसे पचति पचति नित्यम में, विप्सा ग्रामो ग्रामो रमणीय, तो ये ग्रामो ग्रामो दो बार हो गया, माने हर गांव रमणीय है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसलिए यहाँ वृक्षम वृक्षम द्वितीय अंत का ही शब्द का द्विवचन हो जाएगा, दो बार उच्चारण हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, इसका ये अर्थ है। अब यहाँ पर गुरुजी ने जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गुरुजी की बात को भी एक बार देख लेते हैं पूरा। प्रति परि अनु इनकी लक्षण इत्थम भूताख्यान, अर्थात वह इस प्रकार का है इस ऐसा कहने में, ठीक है, वह इस प्रकार का है ऐसा कहने में, भाग और विप्सा इन अर्थों के द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है इनकी प्रति परि अनु की, तीनों की। ठीक है, विप्सा व्याप्ति को कहते हैं, व्याप्ति माने सबको कहना। उदाहरण लक्षण में वृक्षम वृक्षम प्रति, हाँ वृक्षम प्रति विद्योतते, विद्युत में वृक्ष पर बिजली चमकती है, बता समझा दिया मैंने। वृक्षम पर विद्योतते, वृक्षम अनु विद्योतते। इत्थम भूताख्यान में साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, देवदत्त माता के प्रति अच्छा है व्यवहार करता है। मातरम परि मातरम अनु समान है, पूरा जोड़ लीजिएगा इसमें, साधुर देवदत्तो मातरम परि मातरम अनु, ऐसे जुड़ जाएगा, अर्थ एक ही है तीनों का। वृक्षम वृक्षम, अच्छा ये है यहां पर भाग में, यदत्र माम प्रति स्यात, यहां जो मेरा भाग हो वो मुझे मिल जाना चाहिए, दे देना चाहिए। यदत्र माम परिस्यात, यदत्र माम अनुस्यात, दोनों का तीनों का अर्थ एक ही है। विप्सा में देखिएगा वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, तो वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति का यही अर्थ, अब सब वृक्षों को पानी देता है। अब देखिएगा, अब विशेष बात है जिसको मैंने ये पूरा अर्थ आपको पढ़ के बताया है, आप ध्यान दीजिए। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से, माने परि प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई इनकी। ध्यान देंगे, जब कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, बार बार पहले से बताते आ रहे हैं। तो क्या हुआ, जो स्यात है यहां पर ये था आपका परिस्यात, अनुस्यात, ठीक है, ये और प्रतिस्यात, जो स्यात है इसमें उपसर्ग इसे 8387 से एवं सिंचति, सिंचति है, ठीक है, उपसर्गात सुनोति सुवती, ठीक है, इन दोनों सूत्रों से शत्रु नहीं हुआ। ये दोनों सूत्र यही कहते हैं कि माने उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर अस धातु को, अस धातु की सकार को श हो जाता मूर्धन्य। तो यहां पर क्या है, ये उपसर्ग में निमित्त निमित्त स्थित है ई, यहां पर भी ई, यहां पर भी उ, इण, इससे उत्तर अस धातु का ये सकार है, तो इसको यहां इससे क्या हो जाता, शत्रु हो रहा था। यदि उपसर्ग संज्ञा हो जाती, उपसर्ग बन जाए, तो अभी उपसर्ग बनाई नहीं, मना कर दिया, कर्म प्रवचनी बन गया, तो उपसर्ग ही नहीं है। अब उपसर्ग नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेंगे, ये सूत्र आप वही देखिएगा, मैंने दिखा दिया पहले, ठीक है, तो ये सूत्र लगेंगे ही नहीं दोनों, तो ना सिंचती में मूर्धन्य होगा ये नहीं होगा, और ना इसमें मूर्धन्य होगा, ये मूर्धन्य हो जाता नहीं, तो ऐसा हो जाता, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उपसर्ग संज्ञा मतलब कर्म प्रवचनी संज्ञा का एक ये भी फल मिल गया कि इनको मूर्धन्य शकार नहीं हुआ, पूर्ववत यहां भी द्वितीय हो जाएगी, अर्थात कर्म प्रवचनी उक्त द्वितीय से सब जगह द्वितीय हो जाएगी। वीप्सार्थ में वृक्ष को द्वित्व, नित्यम वीप्स, नित्य वीप्स, ये मैंने बता दिया आपको,
से हो जाता है। चलिएगा ये हो गया बिल्कुल सरल है। तो ये ध्यान रखेंगे इन चार अर्थों में वर्तमान प्रति परि नव अव अनु की क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। आइएगा इसी से संबंधित ये सूत्र है आगे वाला सूत्र, ठीक है। चलिए अभिरभागे, अभी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अभागे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः अभाग इत्यत्र नहि तत्पुरुषः न भागः अभागः तस्मिन् अभागे, ठीक है। ऐसा विग्रह कर लीजिए। इस सूत्र की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, बिल्कुल सरल अर्थ है, जैसा हमने अभी घटाया बिल्कुल वैसा ही घटेगा ये भी, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आती है लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीप्सासु और कर्म प्रवचनीया निपाता, इनकी अनुवृत्ति आती है, ठीक है। अब देखिएगा अर्थ भाग वर्जितेशु लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु अर्थेषु अभि कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति, कुछ भी नहीं है सामान्य। ऊपर क्या था, ऊपर के ये चार चार थे, क्या थे, लक्षणेत्थम लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा, ये चार अर्थ थे। चार में से एक हटा दीजिएगा भाग, क्या है भाग, ये अभागे माने भाग को छोड़ करके, तीन आ जाएंगे लक्षण इत्थम भूताख्यान और वीप्सा। इन तीन अर्थों में, तीन अर्थों के विषय भूत हुआ अभी, पहले चारों अर्थों में प्रति परि और अनु थे, अभी को अलग इसलिए किया है क्योंकि यदि इसी में पढ़ देते तो भाग भी आ जाता, भाग अर्थ में वर्तमान अभी को नहीं कर रहे हैं कर्म प्रवचनी, भाग को छोड़ करके जो बाकी के तीन अर्थ हैं इत्थम भूताख्यान लक्षण और वीप्सा, इन तीन अर्थों में क्या कर रहे हैं, अभी की कर्म प्रवचनी संज्ञा कर रहे हैं, इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा है ये, ठीक है। वही कहा यहां पर, क्या कहा, भाग वर्जितेषु भाग को छोड़ करके लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु जो है इनमें भाग छूट जाएगा, इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है अभी और निपात संज्ञक होता है, ठीक है। उदाहरण बिल्कुल वैसे के वैसे ही बनेंगे, उपसर्ग बदल जाएगा, देखिएगा लक्षण में वृक्षम अभिविद्योतते विद्युत, वही अर्थ है इसका, वृक्ष के ऊपर बिजली चमकती है। इत्थम भूताख्यान में साधुर देवदत्तो मातरम अभी, माने माता के प्रति देवदत्त अच्छा व्यवहार करने वाला है, अर्थ वही है। दीप्सायाम वृक्षम वृक्षम अभिसिंचति, माने प्रत्येक वृक्ष का को सींचता है, पानी देता है। बस भाग यहां पर छूट गया, भाग का उदाहरण यहां नहीं दिया क्योंकि भाग कुछ भाग में अभी की नहीं होगी, ठीक है, भाग में साधना अभी की नहीं होगी, भाग सारे काम वही होंगे, द्वितीय भी वैसे ही होगी और जो भी प्रयोजन थे सारे, ठीक है। ये सिंचती में शत्रु को रोकना, ठीक है, तो ये सारे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जाएंगे और कुछ नहीं है सामान्य, ठीक है। आइएगा हिंदी भी पढ़ लेते हैं इसकी। लक्षण आदि अर्थों के द्योतित होने पर अभी अभी शब्द की कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है, ठीक है। अभागे भाग अर्थ को छोड़ करके लक्षणादि अर्थों को कहने में भाग अर्थ में भी कर्म प्रवचनी संज्ञा प्राप्त थी, ठीक है। तो अभागे इस पद ने निषेध कर दिया, माने भाग अर्थ में नहीं होगी, ठीक है। वही अर्थ देखिएगा वृक्षम प्रति वृक्षम अभी वृक्षम अभी विद्योतते विद्युत, वृक्ष के ऊपर वृक्ष पर बिजली चमकती है, वैसा ही पहले अर्थ था, ठीक है।
इत्थं भूताख्यान में साधुर देवदत्तो मातरम अभी देवदत्त माता से अच्छा व्यवहार करता है। दीपसा में वृक्षम वृक्षम अभी सिंचति प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है। पूर्वत सत्व निषेध तथा द्वितीय विभक्ति कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से हो गई। सत्व का निषेध केवल एक जगह यहाँ पर था तो उपसर्ग सुमती सुमति से निषेध हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा ही नहीं हुई है इसलिए निषेध क्या होगा ही नहीं, प्राप्त ही नहीं है, ठीक है बस और कहीं नहीं, और द्वितीय हर जगह हो जाएगी इसमें। चलिएगा ये आपका ये सूत्र हो गया, आगे की कक्षा में आपको और पढ़ाएंगे। चलिए तो यहां तक हमने कर लिया, अब आगे की कक्षा में ये प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान यो 91वां सूत्र पढ़ाएंगे, ठीक। चलिएगा मित्रों, कभी कभी बीच में हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कठिन आता है, कठिन आएगा, ये शास्त्र है, ये सामान्य तो नहीं है, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि संस्कृत का व्याकरण वास्तव में बहुत बहुत ही विशेष है, सामान्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति सोचे कि मैं, हर व्यक्ति सोचे मैं विद्वान बन जाऊं, ऐसे विद्वान नहीं बनते, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, जितना आए उतना पढ़ते रहिएगा, ये 100% नहीं आ रहा, कुछ तो 80% आ रहा, 70 आ रहा, आ तो आया, फिर धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो पूरा आ जाएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।